हाँ तो पहले शुरू करते हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंकर चौहान, वाइस प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत कुआर, उपमंडल रोड कुआर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ओके सो सर, थोड़ा आप पहले एज एन इंट्रोडक्शन कुआर के बारे में कुछ बताएंगे? डोडा पार्क के बारे में, यहाँ का सारा जो डोडा कुआर है, यहाँ पाँच पंचायतें हैं, जखा, जिसकून, दंडवाड़ी, कुआर और डोडा। अच्छा, इससे पहले यहाँ 2005 तक तीन पंचायतें थी, दो पंचायतें नई बनी हैं और यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 7000 के आसपास है। ओके, तो ये जगह है, इसको सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया हिमाचल का क्यों कहते हैं, यहाँ कोई कारण होगा उसके पीछे? ये रिमोट एरिया, यहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटियाँ भी नहीं थी पहले। अच्छा, अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा, ये बिकॉज ये रोड की वजह से, रोड भी नहीं था और सर्दियों में हमारे ये जो पास है चाय शिल का 14000 की हाइट पर है, ये सर्दियों के लिए 4 महीने के लिए बंद हो जाता है और हमारे को उत्तराखंड होते हुए सफर करना पड़ता है। तो यहाँ से उत्तराखंड, हाँ समझ लीजिए, जो हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के बाद उत्तराखंड की बाउंड्री शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ जी ठीक है। और क्या कहते हैं, वैसे जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ पे, और भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं लोग मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे कभी? यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट लोग, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा। और इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ पर एक सांगला पास पड़ता है मंसूरी में, जो IAS वगैरह क्वालिफाई करते हैं, हाँ जी, उसके लिए कंपल्सरी ये वाला एक रूट रखा गया है सांगला से, वो चितकुल वाला, हाँ चितकुल वाला, वो जो सीधा यहाँ पे आता है, हाँ जी हाँ जी, सांगला से ऑन फुट है, यहाँ से 13 घंटे का ऑन फुट है। ओके, लोकल जो यहाँ के रहने वाले थोड़े टफ भी होते हैं, उनको उनके लिए 13 घंटे का यहाँ से रन है सांगला का। अच्छा, ऑन अच्छा, फुट अच्छा। तो जो IAS वगैरह है मंसूरी में, जब ट्रेनिंग वगैरह चलता है तो ये पास क्रॉस करना यहाँ से कंपल्सरी रखा, ये रूट है उनका। तो अच्छा, और भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, फॉरनर आते हैं, उनका अपना टेंट या अकोमोडेशन होता है यहाँ पर जब भी आते हैं यहाँ पर। तो अकोमोडेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक आपका फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हो गया, हाँ, एक ये रेवेन्यू रेस्ट हाउस हो गया, हाँ जी, और कुछ नहीं है, और कोई सुविधा नहीं है। जब कोई ज़्यादा तादाद में यहाँ बाहर से कोई लोग आ जाते हैं, हाँ जी, तो हम पंचायत लेवल में उनको कॉपरेट कर लेते हैं, ठहरने की व्यवस्था हम अपने घरों में उनको ठहरा लेते हैं। ठीक है सर। और खाने पीने भी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट ही हो गया, या मतलब मैं इसको समझ रहा था कि रोड खुलने के बाद शायद जैसे टूरिस्ट लोगों का कुछ आना जाना होगा यहाँ पे, तो एक आधा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट या फिर कोई छोटा सा ढाबा जो सर्व करता हो। अभी फिलहाल सिर्फ लोगों के रेजिडेंशियल घर बने हुए हैं, रेजिडेंशियल घर बने हैं, हल्के से लोकल आदमियों ने यहाँ पर होटल भी खोल रखे हैं, पर उनका वो डिमांड पर ही अपना खाने का व्यवस्था कर लेते हैं। जब बाहर से यदि कोई डिमांड वगैरह आती है तो ऑर्डर पर यहाँ पर खाना बनाने की व्यवस्था भी हो जाती है। अच्छा, ठीक। तो सर्दियों में आप फिर ट्रैक करके ही उत्तराखंड से सामान, उत्तराखंड होते हुए जाना पड़ता है। इवन कई बार हमारे पेशेंट वगैरह भी रास्ते में दम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 108 है अभी हिंदुस्तान, इसमें 108 का गाड़ी का एम्बुलेंस उसका शुरू किया है, उसकी सुविधा से हम प्रॉपर जुड़ नहीं पाते क्योंकि सर्दियों में बर्फ के कारण जो है हम कट जाते हैं अन्य क्षेत्रों से। जी, तो हमें उत्तराखंड होते जाना पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमारे अभी पिछले साल से यहाँ बस नहीं आ पा रही है, उससे पहले आती थी, उससे पहले बस आई 2 महीने चली। अच्छा, और इवन PWD डिपार्टमेंट एक टेक्निकल एजेंसी होती है, टेक्निकल एजेंसी को ट्रांसपोर्ट को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक बस सेवा नहीं लगाई गई। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कब तक शुरू हो जाएगा? शुरू होने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट को तुरंत बस लगानी होती है, ये जानबूझ के लिंग अराउंड कर रहे हैं किसी से, अब बोलते हैं कि पीछे तो बताया 6 तारीख तक हम बस शुरू कर देंगे, जबकि डोडा तक बस आ सकती है और फिर डोडा तक PWD डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है।